बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको कभी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होता है। ठीक है, ऑफेंस जब हम बोलते हैं कि बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेल होता क्या है। तो बेल एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है जो कि कोर्ट अपने पास डिपॉजिट करता है किसी को रिलीज करने के लिए। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। बेल एक अमाउंट होता है जो सिक्योरिटी की तरह कोर्ट डिपॉजिट करता है तब रिलीज करता है। ठीक है, ठीक, अब आएगा अच्छे से समझ में। पहला कि जो बेलेबल ऑफेंस होता है जनरल नेचर का होता है, मतलब इतना खतरनाक नहीं होता, जबकि नॉन बेलेबल वो बहुत ही ग्रेव और डेंजरस नेचर का होता है। दूसरा, जो बेल होता है ये सबके पास राइट होता है। बेलेबल ऑफेंस अगर कोई है तो उसके अंदर बेल इजिली मिल जाएगी, ये राइट है। ठीक है, लेकिन अब जो बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अगर बेल चाहिए आपको तो वो डिपेंड करता है कि कोर्ट के ऊपर। कोर्ट को लगता है कि हाँ ठीक है दे देना चाहिए तो दे देगी, अगर नहीं लगता कोर्ट को तो नहीं देगी। वो ग्रेविटी पे अपना डिसाइड खुद कोर्ट करती है, आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास, वो खुद से लगेगा उसको दे देगी नहीं तो नहीं देगी। जैसे कि अब ये जनरल नेचर का था बेलेबल ऑफेंस, तो ये हल्के फुल्के क्राइम्स होंगे जैसे चीटिंग, ब्राइबरी, ऐसे वाले। और ये बहुत डेंजरस नेचर का था नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके अंदर कोर्ट डिसाइड करता है कि देना है कि नहीं देना बेल कोर्ट के ऊपर। तो ये होते हैं मर्डर, रेप, डोरी डेथ, ऐसे केसेस। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो सब समझ में आ गई, शॉर्ट एंड सिंपल है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। देखो बेलेबल बहुत ही जनरल नेचर के होते हैं, जैसे कि चीटिंग, ब्राइवरी, इस टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेल लेना आपका राइट है, आप बेल ले सकते हो। ठीक है, पर नॉन बेलेबल ऑफेंस बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं और इसमें बेल इजीली मिलती नहीं है। ये कोर्ट के ऊपर पावर होती है कि वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। ठीक है, इसमें केसेस आते हैं डोरी, मर्डर, रेप, ये सारे केसेस आते हैं। अब आ जाता है हमारे सामने बेल किसे कहते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये एक बेल एक अमाउंट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कोर्ट करता है किसी को रिलीज करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। जय हिंद, जय जुडिशरी।